लास्ट वीडियो ऑफ वीक नंबर फाइव एजाइल मैथडॉलोजीज ये जो अभी के जो हम मैथडॉलॉजीज पढ़ेंगे ये भी एजाइल मैथोडॉलॉजीज के uh, कुछ प्रोसेस मॉडल्स हैं क्रिस्टल मैथडॉलॉजी इट फोकस ऑन पीपल एंड देयर इंट्रैक्शन व्हेन दे आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट एंड पुट देम ऑन कोर ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इट डज नॉट डील विथ टूल्स एंड टेक्निक्स तो क्रिस्टल मैथडोलॉजी है कि इसका जो मेन कंसर्न है वो लोग हैं कि एक प्रोजेक्ट में एक लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं क्रिस्टल मैथडोलॉजी जिसने भी इन्वेंट किया है उसका यही मानना है कि एक प्रोजेक्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं कॉपरेटिव है या नहीं है और उसके साथ क्या क्या स्किल्स हैं टैलेंट्स हैं उनके पास और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं यानी वो किस तरह से जो है कंबाइनली इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह इंट्रैक्शन रखते हैं तो पहले उनका कॉन्सर्न जो है वो लोग हैं कि लोग किस तरह से प्रोजेक्ट में एक दूसरे, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं फिर बाद में जो है उसको जो है वो डेवलपमेंट प्रोसीजर पर लगा देते हैं एंड इट डज़ नॉट डील विद टूल्स एंड टेक्निक्स इसका टूल्स एंड टेक्निक्स यानी कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे कौन कौन से टेक्निक्स पर काम होगा ठीक है तो इसका इससे कोई भी काम नहीं है इसका जो पहले मेन कंसर्न है दैट इज़ पीपल कि किस तरह से वो एक प्रोजेक्ट में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनका इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ अच्छा है बुरा है कैसा है कैन बर्न फोकस ऑन मैनेजिंग द वर्क कैन बर्न जो है इसका जो कंसर्न है वो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे कि जो प्रोजेक्ट का जो काम है वो सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और कोई बंदा भी कोई डेवलपर भी जो है वो एक प्रोजेक्ट का कोई भी डेवेलपर वो ओवर ना हो जाए ओवर ना हो जाए तो मेन कंसर्न जो है हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट हाउ टू मैनेज द वर्क कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट का काम मैनेज किया जाएगा ताकि सबको इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट हो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द अप्रोच फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द वेस्ट एंड फोकस ऑन रेलिवेंट थिंग्स लीन डेवलपमेंट क्या बताता है कि दोज फीचर्स विच आर नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर्स दोज फीचर्स विच आर विच विल नॉट बी यूज बाय कस्टमर तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो ये बताता है कि आ, कुछ ऐसा काम जो जिसका कस्टमर से कोई लेना देना ही नहीं है जो बिल्कुल ही इेलिवेंट मटेरियल है ठीक है तो उसकी तरफ मत जाओ वो उसको बिल्कुल जया उसको एलिमिनेट कर दो सिरे से ही कस्टमर को उनके सामने रखो ही मत ताकि कस्टमर जो है वो कंफ्यूज ना हो सो ओनली फोकस ऑन द रेलिवेंट वर्क एंड एलिमिनेट इेलिवेंट वर्क फीचर ड्रिवन मैथॉलॉजी फीचर ड्रिवन डेवेलपमेंट एफ डी डी मैथडॉलॉजी इट फोकस मेनली ऑन डिलीवरिंग द फीचर्स इट रिलेज ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड टीम मेंबर रिलीज ऑन दैट डॉक्यूमेंटेशन ये फाइव स्टेजेस पर काम करता है ठीक है तो एफ डी डी मैथडोलॉजी जो है इसका जो कंसर्न है दैट इज फीचर्स यानी प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फीचर्स हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है एक कॉपी तैयार की जाती है डॉक्यूमेंटेशन की ठीक है एक लिस्ट तैयार किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि स्क्रम में डेली बेसिस पर मीटिंग करना पड़ता था लेकिन एफडी मेथोडोलॉजी में क्या होता है आ, सारे फीचर्स की एक कॉपी बना देते हैं और वही कॉपी जो है टीम के हर एक मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो डेली बेसिस पर उनको मीटिंग करना नहीं पड़ता तो हर एक डेवलपर जो है वो उसी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए रोजाना उसी शेड्यूल के मुताबिक काम करता है तो एफ टी मेथोडोलॉजी जो है फीचर बेस्ड है डेवलप ओवरऑल मॉडल बिल्ड फीचर लिस्ट प्लान बाय फीचर डिजाइन बाय फीचर एंड बिल्ड बाय फीचर तो मेन कंसर्न क्या है फीचर्स प्लन ड्रिवे एंड एजायल प्लेन बेस्ड डिवेलपमेंट यानी प्लेन ड्रिवन मेथडोलॉजी क्या बताता है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हुआ रिक्वायरमेंटिफिक स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट तो इसमें आप क्या करते हैं कि यू कैन आई ट्रेट यू कैन लूप बिटवीन यू कैन लूपीन बिटवीन ईच एक्टिविटी बट कैन नॉट इंटरलीव्ड बिटवीन दैम ई इन एजाइल वी कैन इंटरलीफ्ट बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज इसमें क्या होता है कि आप किसी एक्टिविटी के बीच में आप जो है लूप कर सकते हो लेकिन एजाइल में क्या होता है कि आप बिटवीन एक्टिविटीज इंटरलीफ्ट करते हैं यानी अल्टरनेटिंग बिटवीन दैन ठीक है लेकिन जब प्रैक्टिकलिटीज की तरफ बात आती है तो इट इज हाइब्रिड प्लेन बेस्ड डेवेलपमेंट भी यूज होता है और एजाइल इन दोनों को कंबाइनली इस्तेमाल किया जाता है तो ये वो सारे छोटे से जो थे एजाइल डेवलपमेंट के मॉडल्स हमने पढ़े हमने तकरीबन छः से सात आठ मॉडल्स हमने पढ़े होंगे एजाइल मेथोडोलॉजीज में तो जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्क्रम एंड एक्सपी ये बहुत यूज होता है स्क्रम एंड एक्सपी ठीक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वैसे जब प्रैक्टिकलिटीज़ की बात आती है ना तो ज़रूरी नहीं है किसी एक मॉडल के मुताबिक ही काम किया जाए इन सबको को मिलाकर भी जो है आ, काम किया जा सकता है तो ये काफ़ी जो है ये वीक नंबर फाइव बहुत ही लेंथी वीक था तकरीबन एक महीना इस पर लगा है लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था इसके ये सारे मॉडल्स जो हैं आप लोगों के लिए जानना बहुत ही Important. So, this is the uh, last video of week number five.